विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारत ने लगातार 3 जीत अर्जित कर ली है और चौथी जीत की तलाश में भारतीय क्रिकेट टीम पुणे पहुंच चुकी है, जहां उसका मुकाबला 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ होना है। आपको बता दूं कि जो खेल विशेषज्ञ हैं वो मानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत को उतनी मुश्किलें नहीं होंगी, लेकिन इतिहास हमें सचेत कर रहा है। वो कहता है कि बांग्लादेश कई बार महत्वपूर्ण मौकों पर भारत की राह में रोड़े अटका देता है, और इसका अगर आपको उदाहरण देखना है तो 2007 का विश्व कप याद कीजिए। भारत के लिए वो शायद सबसे निराशाजनक विश्व कप था, और तब जो भारत को जो नुकसान पहुंचाया था वो बांग्लादेश ने ही पहुंचाया था, उसी ने भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। तो इस लिहाज से देखें तो ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत अभी पूरे रंग में है, और अगर वो चाहता है कि उसके रंग में कोई भंग न पड़े तो बांग्लादेश के 5 खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखनी होगी और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने से रोकना होगा, उनकी काट ढूंढनी होगी। कौन है ये 5 खिलाड़ी, उनके आज आपको नाम बताऊंगा, उनके रिकॉर्ड्स बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। विश्व कप 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला है वो पुणे के एमसीए स्टेडियम में 19 अक्टूबर को होना है, और इसके लिए भारतीय टीम पूरी तरह तैयार है। पुणे पहुंच चुकी है भारत की टीम, और आपको बता दूं कि वो हर हाल में जीत का चौका लगाना चाहेगी। आपको बता दूं कि जो बांग्लादेश की टीम है उसमें कुछ खतरनाक खिलाड़ी भी हैं। हालांकि अगर इस विश्व कप में हम बात करें तो बांग्लादेश की टीम ने भी अब तक 3 मैच खेले हैं, लेकिन उसमें एक ही मुकाबला जीता है, 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता। 5 खिलाड़ी बांग्लादेश के हैं जो अगर चल जाएं तो भारत की जीत में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। कौन कौन है ये? पहला नाम है बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन का। उन्हें भारत के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की आदत सी हो गई है, रिकॉर्ड्स उनके समर्थन में बोलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो मुकाबला हुआ है अगर हम उसमें बात करें तो शाकिब अल हसन ने 22 मैच खेले हैं और 751 रन बनाए हैं। आपको बता दूं कि उनसे अधिक रन जो प्रेजेंट टीम है भारत और बांग्लादेश की, उसमें सिर्फ विराट कोहली ने उनसे ज्यादा रन बनाए हैं, और विराट कोहली ने 807 रन बनाए हैं, उसके बाद शाकिब अल हसन ही है, और तब जाकर जो है रोहित शर्मा का नाम आता है जिन्होंने 738 रन बनाए हैं। तो शाकिब हमेशा भारत के खिलाफ एक छोर पर खड़े हो जाते हैं, और न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी। अगर हम बात करें तो शाकिब अल हसन ने 22 मैचों में भारत के खिलाफ 29 विकेट भी लिए हैं, और यह महत्वपूर्ण है। मतलब एक ऑलराउंडर के तौर पर शाकिब अल हसन का प्रदर्शन भारत के खिलाफ बेहतरीन रहा है, और वो एक बार फिर से उस बेहतरीन प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगे और भारत जो अभी रंग में है उसके रंग में भंग डालना चाहेंगे। अभी एशिया कप में जो मुकाबला हुआ और जहां पर भारत बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच हार गया था, उस मैच में भी शाकिब अल हसन ने शानदार प्रदर्शन किया था, और उन्हीं के प्रदर्शन के बल पर बांग्लादेश ने जीत हासिल की थी। तो सबसे पहले तो भारत को शाकिब अल हसन की काट ढूंढनी होगी, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दूसरा नाम अगर हम लें तो वो है बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी विकेटकीपर मुश्फिकुर रहीम। वो भी एक बिजी प्लेयर है और मौके पर स्कोर करते हैं। जब टीम को जरूरत होती है रनों की, मुश्फिकुर आपको वहां दिखेंगे, वो रन बनाएंगे, बिजी प्लेयर हैं, सिंगल डबल वो उनके बल्ले से निकलता रहता है, अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलना पसंद करते हैं,
और अगर मुशफिकुर के हम रिकॉर्ड की बात करें तो भारत के खिलाफ उन्होंने 25 मैच खेले हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो अनुभव है वो बहुत ज्यादा है और भारतीय खिलाड़ियों को वो अच्छे से समझते हैं, बूझते हैं। और 25 मैचों में उन्होंने 665 रन बनाए हैं और ये जो है एक बड़ी बात है, अच्छी बात है। और मुशफिकुर का जो औसत है भारत के खिलाफ वो 31.66 का है और भारत के खिलाफ वो शतक भी जमा चुके हैं। तो अगर मध्य क्रम में मुशफिकुर आएंगे तो वहां पर उनको आपको जल्दी आउट करना होगा, नहीं तो वो पारी के अंत में और भी अपने इनोवेटिव शॉट्स के जरिए खतरनाक हो जाते हैं। बांग्लादेश के तीसरे खतरनाक खिलाड़ी की बात करें तो वो एक और बैटर है और भारत के खिलाफ खेलना उसे भी बेहद पसंद है और उसका नाम है लिटन दास, जो कि पारी की शुरुआत करेंगे। कई मौकों पर आपने देखा होगा कि भारत के खिलाफ लिटन एक छोर पर खड़े हो जाते हैं और खड़े भर ही नहीं होते, बहुत ही आक्रामक तरीके से स्कोर भी करते हैं और यही सबसे खतरनाक बात है। तो यहां पर जसप्रीत बुमराह और सिराज की यह जिम्मेदारी होगी कि वो लिटन दास के बल्ले को खामोश रखें और उन्हें जल्द से जल्द पवेलियन की राह पर आगे बढ़ा दें, नहीं तो लिटन दास जो है भारत का खेल खराब कर सकते हैं। लिटन दास की हम बात करें तो भारत के खिलाफ 10 मैचों में उन्होंने 305 रन बनाए हैं और उनका औसत 30 का है और भारत के खिलाफ उन्होंने भी शतक लगाया है। तो अगर लिटन दास बड़ी पारी खेलते हैं तो वो चूंकि उनका इंपैक्ट जो होता है वो ज्यादा होता है तो उसका असर जीत हार पर पड़ सकता है, इसलिए ये जरूरी होगा कि लिटन दास का विकेट आप जल्द से जल्द निकालें। बांग्लादेश के चौथे खिलाड़ी जिससे भारतीय टीम को बचकर रहना होगा वो है मुस्तफिजुर रहमान। अनुभवी पेस बॉलर हैं, नई गेंद के साथ भी गेंदें करते हैं और डेथ ओवर्स में वो कमाल के हैं। उनके स्लोअर वन को पिक करना मुश्किल होता है, स्लोअर बाउंसर्स भी डालते हैं और शुरुआत में गेंद को स्विंग भी कराते हैं और शुरुआत में भी जो पेस का वेरिएशन होता है उसे करने से हिचकिचाते नहीं। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको कहा कि लेफ्ट आर्म बॉलर है, तो जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है वैसे भी भारतीय बैटर्स को परेशान करता है, तो जो मुस्तफिजुर हैं उन पर जो है भारतीय टीम को नजर रखनी होगी और उनकी गेंदों का सामना जो है सोच समझ कर करना होगा। और यदि आक्रमण करने आप उन पर जाते हैं तो बहुत सोच कर आपको शॉट सिलेक्शन करनी होंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि उनकी कौन सी गेंद जो है स्लोअर वन है। मुस्तफिजुर ने भारत के खिलाफ जो है 11 मैचों में 25 विकेट लिए हैं और ये आप मानकर चलिए कि जो बांग्लादेश का गेंदबाजी आक्रमण होगा उसमें अगर आप नेतृत्व की बात करें तो वो मुस्तफिजुर ही करेंगे। पांचवा खिलाड़ी जिनका कि मैं नाम लेने जा रहा हूं वो एक ऑलराउंडर है और भारत जब अभी बांग्लादेश के दौरे पर गया था तो वहां पर उन्होंने अकेले एक मैच में भारतीय टीम को शिकस्त दे दी थी और वो है मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज एक ऑलराउंडर हैं, अटैकिंग बैटर हैं और ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और बांग्लादेश की टीम इन दिनों उनका इस्तेमाल पिंच हिटर के रूप में भी कर रही है, कई बार उन्हें ओपनिंग के लिए भेज देती है, कई बार उन्हें नंबर 3 पर भी रखती है। और मुस्तफिजुर जैसा मैंने कहा कि वो तो खतरनाक हैं ही, लेकिन जो ये मेहदी हसन मिराज हैं उनकी ऑफ स्पिन गेंदें भी कई बार इंडियन बैटर्स को परेशान करती रही हैं। उन्होंने 7 मैचों में भारत के खिलाफ 5 विकेट लिए हैं, रिकॉर्ड तो उतने बेहतर आपको नहीं बताते लेकिन इंपैक्ट उनका जो होता है वो ज्यादा बेहतर है, वो एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देखे जा सकते हैं। और अगर हम स्कोर के बात करें तो मेहदी हसन मिराज ने भारत के खिलाफ 7 मैचों में 229 रन बनाए हैं और उसमें एक शतक भी शामिल है, तो इसलिए मेहदी हसन मिराज पर भी भारत को नजर रखनी होगी।
तो ये पांच खिलाड़ी बांग्लादेश के जो भारत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, खतरा बन सकते हैं, शाकिब अल हसन कप्तान, लिटन दास, मुस्फिकुर रहीम, मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज। इसके अलावा आप तस्कीन अहमद को इग्नोर नहीं कर सकते, शुरुआती ओवरों में उन्हें भी विकेट लेने की आदत है और भारत के खिलाफ जो है उन्होंने 7 मैचों में 14 विकेट लिए हैं वनडे इंटरनेशनल में, तो तस्कीन अहमद हैं। इसके अलावा तंजीद हैं, बल्लेबाजी में शांटो हैं। बांग्लादेश की जो टीम है एक टैलेंटेड टीम है और अपने दिन पर वो कोई भी उलटफेर कर सकती है और भारत को इसी उलटफेर से 19 अक्टूबर को बचना है। और बांग्लादेश की अगर इन खिलाड़ियों पर भारतीय टीम ने शिकंजा कस दिया तो फिर भारत के लिए जीत आसान हो जाएगी। तो भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले के लिए हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।